Congratulations. Finally, हमने ये शो को सक्सेसफुल करके दिखाया है. And thanks a lot, तुमने मेरी इतनी हेल्प की. क्या हुआ तुम ठीक हो? तो फिर चलो ना, सेलिब्रेट करते हैं, डांस करते हैं. Come on, Rui. वो मुझे ना वॉशरूम जाना है, मैं जाके आती हूँ, आप कंटिन्यू करो. ओके. इशिता, कल मेरा एक काम कर दे. बताइए. वो ना मैंने एक गिफ्ट लिया था तेरे पापा जी के लिए. हाँ. कि जब वो जीतेंगे ना तो मैं उनको दूंगी. हाँ. तो वो घर पर रह गए, जरा ला दे पुत्र. पर आपको पहले से ही पता था कि पापा जी जीतेंगे? हाँ, मैंने पहले ही पता था. अच्छा, मेरे कमरे में ना बेड पे पड़ा है, जा मेरा पुत्र. छेती छेती लेके आ. सब खुश है, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं उनके पास जाऊं, खुश हो, उनके साथ सेलिब्रेट करूं. मैं उनसे नफरत करती हूं, मैं क्यों खींची चली जा रही हूं? मैं मुझे नहीं जाना है उनके पास. कितनी बार समझाऊं मैं खुद को, कितनी बार. मम्मी जी सो क्यूट, पहले पापा जी के लिए गिफ्ट लिया हुआ. हेलो, क्या भला? अरे शिमा, आप डांस छोड़कर क्यों आ गए? आप ये रखो, बाद में अभी मेरे साथ. अरे कुछ नहीं, जिद नहीं, जब तक आप डांस फ्लोर पे ठुमके नहीं लगाओगे तब तक मजा नहीं आएगा, आप जल्दी चलो. हेलो, मैं पीहू की टीचर बोल रही हूँ स्कूल कैंप से. मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया था कि पीहू की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है. पीहू को थोड़ा फीवर हुआ है, एक्चुअली कल भी उसे थोड़ा फीवर हुआ था. मुझे लगता है कि वो अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही है. मैंने उसको टैबलेट दिया था लेकिन वो टैबलेट शायद असर नहीं कर रही है. आपके पास पीहू की मेडिकल फाइल होगी ना, तो आप प्लीज मुझे उसमें से देख कर बता सकते हैं कि आप कौन सी टैबलेट देते हैं? हाँ, आई होप इशिता जल्दी से पीहू की फाइल में देख के उसकी दवाई का नाम बता दे. आप मुझे प्लीज वो टैबलेट का नाम बता देंगे तो मैं उसे वो टैबलेट दे दूंगी, तो एटलीस्ट वो ठीक हो जाएगी. और हाँ, मैं आप सबके से बात भी करवा दूंगी. हेलो, आप सुन रहे हैं? ये इशिता कुछ बोल क्यों नहीं रही है, क्या हो गया? तो खुद पीहू की माँ है ना, और खुद एक डॉक्टर भी है, फिर भी क्यों कुछ नहीं बोल रही है? कितनी चिंता है उसे पीहू की. हेलो, ये खुद को माँ बोलती है और सब कुछ सुनने के बाद भी ऐसे छोड़ के चली गई. हेलो. हाँ, आप सुन पा रही है ना मुझे? हाँ, थैंक गॉड. मुझे लगा शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गई. आप कौन बोल रहे हैं? वो मैं पीहू की बहन बोल रही हूँ. क्या हुआ है? पीहू को फीवर हुआ है. क्या आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि आप फीवर में पीहू को कौन सी मेडिसिन देते हैं? वैसे मैं पहले किससे बात कर रही थी? इशिता भल्ला. ओह हाँ, मैं मिल चुकी हूँ उनसे. वो पीहू की मासी है ना? वो बात करते करते कहाँ चली गई अचानक? आई मीन उन्हें चेक करना चाहिए था ना कि किसका कॉल था, क्या बात थी. मैम इट्स ओके, आप बस एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं पीहू की मेडिसिन चेक करके बताती हूँ, बस एक मिनट. हाँ. आई होप पीहू ठीक हो जाए. कादम जीत के दिखाऊंगा, अब जब भी शक हो ना. चैलेंज मत करना बेटा. But most dashing man. I'm kind of proud of you. अच्छा, kind of? Kind of.
माँ हो तुम, इन फैक्ट किस तरह की औरत हो, थोड़ी भी शर्म है तुम में? ये क्या हो रहा है? कोई जो भी प्रॉब्लम है घर पे सॉल्व करने चलो सब। प्लीज मुझे तो ना चाहिए कि यहाँ सबको पता चले कितनी लापरवाह माँ है, कितनी लापरवाह औरत है ये। आई सेड घर पे बात करेंगे, चल। माता रानी होया कि पीहू की तबीयत खराब है, उसे फीवर है, इसीलिए वो फोन कॉल आया था उसकी। हाँ वो पीहू की टीचर का था कैंप से, तो अच्छा हुआ कि मैं घर पे थी और मैंने रिसीव कर लिया कॉल। मैंने पीहू की मेडिसिन बताई। आई होप अब वो ठीक हो, लेकिन सबके सामने एक और बार प्रूव हो गया कि तुम कितनी केयरलेस औरत हो इशिता। रूही मेरी बात तो सुनो तुम। I have an explanation. मैंने फोन रिसीव किया था, पर इससे पहले कि मैं सुन पाती कि वो किसका कॉल था, आदि मुझे खींच कर ले गया यहाँ से। पर तुम ही बताओ ना, मैं इतने इम्पोर्टेंट फोन कॉल को छोड़ के डांस करने चली जाती? मैंने जबरदस्ती तो नहीं किया ना ये? एग्जैक्टली यही तो मैं कहना चाहती हूँ। कमाल की बात है ना, जब जब तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत होती है नहीं हो, और फिर तुम्हारे पास 100 एक्सक्यूजेस होते हैं, 100 एक्सप्लेनेशंस होते हैं। वाओ कैसे करती हो तुम, ग्रेट। रूही जस्ट शट अप, तुम ना बिना मतलब बात को स्ट्रेच कर रही हो, और तुम्हें ना हर बार यही लगता है कि इशिमा गलत है, इशिमा गलत है। तुम हमेशा उनको नीचा दिखाना चाहती हो। हेलो, मुझे ना किसी को नीचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, जो जहां होता है वो वही दिखता है। इन फैक्ट यू नो व्हाट, यहां ना सबके सब झूठे हैं और इनको ड्रामा करने के अलावा और कुछ नहीं आता। मैं ना और इस घर में रहना ही नहीं चाहती, मैं अब पागल हो जाऊंगी। आई जस्ट हेट यू ऑल, आई जस्ट हेट यू एंड आई हेट इट हियर। रे बाला, ये क्या डिनर का प्लान बना रहे हो तुम? प्लीज मैंने घर पे सब कुछ बनाया, हम डिनर घर पे ही करेंगे प्लीज। अरे यार, तो जो आज बनाया वो कल सुबह ब्रेकफास्ट में खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अरे मैं बोल रही हूं ना, मुझे पेपर्स भी चेक करने, बहुत काम है, हम घर पे ही डिनर करेंगे बस। ओके ओके ठीक है। सॉरी आशा, आई रियली वांटेड कि हम लोग बाहर जाके सेलिब्रेट करें, बट टुडे इट्स नॉट पॉसिबल। हेलो मिस्टर पॉपुलर। हाय। हाय। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए, एक्चुअली मैं आप ही को ढूंढ रही थी। आपको पर्सनली मिलके विश करने की बात ही कुछ और है। थैंक्स अ लॉट। मुझे लगता है जजेस थोड़े से बायस थे शायद, लोग तो वहां पर और भी अच्छे थे तो। नो नो मिस्टर बालाचंद्रन, आपसे बेहतर हो ही नहीं सकता कोई, आई मीन कोई था ही नहीं। और देखिए ना, आप दो बच्चों के बाप तो कहीं से नहीं लगते। ऑलरेडी आप इतने हम्बल हैं, इतने स्वीट हैं, इतना अच्छा मेंटेन किया है ना आपने अपने आप को, आई कैन टेल यू, आई मीन अभी भी आप अपने 20s में लगते हैं, हैंडसम, यंग, स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच मिस अलमेरा, एंड थैंक यू सो मच कि आप ये कंपटीशन खत्म होने तक एंड तक रुकी। ऑफ कोर्स, वो तो मुझे रुकना ही था, क्योंकि मुझे पता था ये कंपटीशन आप ही जीतने वाले हैं। कंपटीशन अब खत्म हो गया ना, एंड आपकी फर्दर क्लासेस भी होंगी, तो आप लेट हो रही होंगी शायद। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू कि इतना टाइम निकाला हमारे लिए, बट दैट्स रियली फाइन, अब हम आपको और टाइम नहीं ले सकते। आई नो आपको बहुत सारे काम होंगे, आई थिंक यू शुड लीव। ओके देन, बाय बाय। पीयू के पिछले साल के ब्लड कल्चर रिपोर्ट्स भी इसी में है ना? हाँ। सारे ले जाती हूँ, पता नहीं क्या हो गया पीयू को। जिस घर में रहना ही नहीं है, मैं पागल हो जाऊंगी, यहाँ मुझे रहना ही नहीं है। वो कौन सी एक रूही, क्या हम पीयू पे कंसंट्रेट कर सकते हैं? पता नहीं उसे क्या हुआ है, किस हालत में है वो। रूही, शगुन बिल्कुल ठीक बोल रही है। सिम्मी, तू दौड़ के मेरा पर्स लेके आ, मैं भी साथ जाऊंगी। रमन किधर चला गया, अभी तो इधर ही था। ये रमन को भी अभी से पता है ना कि हमें वहां जाना है, वो लापता। शकुन, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ प्लीज? नहीं प्लीज, बिल्कुल भी नहीं। पीहू मेरी बहन है और मुझे उसे देखने जाना है, और अगर तुम वहां होगी तो मैं वहां नहीं आने वाली, और इसलिए तुम घर पे ही रहो, मैं जा रही हूँ। चले, लेट्स गो यार। चल, चल। आप में से किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरी पीहू की टीचर से बात हो गई है, पीहू ठीक है। अगर तबीयत ज्यादा खराब होगी, हमारी जरूरत पड़ेगी तो फोन करेंगे हमें।
पता नहीं, तेरा लाख लाख शुक्र है। थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से पीहू। प्लीज शगुन मामा, आपको कोई थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। पीहू मेरी बहन है और मैंने सिर्फ वही किया जो मेरा फर्ज है। एंड मैंने पीहू को प्रॉमिस भी किया था कि चाहे जो भी हो जाए मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगी। एंड है ना, उन लोगों में से नहीं हूं जो प्रॉमिस करके मुकर जाते हैं। और मैं जिनसे प्यार करती हूं ना, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर आई गेस हर कोई तो ऐसा नहीं होता ना। एनीवे, फॉरगेट इट। ये सब मेरी वजह से हुआ, I'm really really sorry। रूही ने ईशु को बहुत बहुत बोला होगा, मैं ना कह रही हूँ। मुझे रूही और ईशु की बहुत चिंता है। ईश्वर, 7 साल के बाद वो दोनों हमें मिले हैं, अभी मैं उनको वापस खोना नहीं चाहती। नहीं नहीं मधु, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। हमारे ईशु बहुत समझदार है, वो रूही को समझा लेगी। आलिया, पाटी, वो आपने कहा था ना कि आप मेरे साउथ इंडियन डिशेस बनाने में हेल्प करेंगी। पर कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन आ जाऊंगी, आप बहुत थक गए होंगे ना। अच्छा एक मिनट, इधर आना, ऐसे जाना मत। एक्चुअली वंदु आज सांबार बनाने वाली है, वो बहुत अच्छा सांबार बनाती है, वो तुमको सिखा देगी। ठीक है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? वंदु अपने रूम में है, तुम उसको जाके बोलो कि मुझे सांबार सीखना है, वो सिखाएगी। अच्छा ठीक है पाती। बंदुचित्ती, आप रो रहे हो, क्या हुआ आपको? मेरी ड्रेस मुझे फिट नहीं हो रही है, सिर्फ 4 साल पुरानी है, सिर्फ 4 साल। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, मुझे फिट ही नहीं हो रही, इतनी टाइट हो गई, मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। सो के चित्ते, इसमें रोने वाली क्या बात है? अरे क्योंकि मैं मोटी हूँ और उम्र में इतनी बड़ी लगती हूँ, और वो बाला इतना फिट है और उम्र में मुझसे छोटा लगता है, लेकिन एक्चुअली वो उम्र में बड़ा है मुझसे। वो तो है, पर इसमें गलती किसकी है? You know what? Most of the married women के ना यही प्रॉब्लम है, शादी के बाद ना अपने सारा टाइम अपनी फैमिली को दे देते हैं और अपने लिए कुछ टाइम ही नहीं होता। चित्ती, हमारी बॉडी ना एकदम मशीन की तरह होती है, जो काम के साथ साथ ना थोड़ी रेस्ट भी मांगती है, बट आप अगर उसको रेस्ट नहीं दोगे तो वो मेंटेन कैसे रहेगी? लाइक यू नो व्हाट, यू शुड गो आउट फॉर वॉक, उसके बाद तुम्हें स्पा के लिए जाना चाहिए, अपने डाइट का ध्यान रखना चाहिए। सॉरी टू से, पर आप ना बहुत बोरिंग है। आज की बात देख लो, सब डिनर पे जाना चाहते थे पर आपने मना कर दिया। आपको फन से एलर्जी है क्या? पहले तो मेरी हेल्प करोगी? हेल्प मुझे बदलने में, ट्रांसफॉर्म करने में? ऑफ कोर्स चित्ती, ऑफ कोर्स। इशिता पुत्र, तू रूही की बातों को दिल पर ना ले पुत्र। तेनु पता ही है ना कि वो क्यों ये सारा कुछ कर रही है और क्यों ऐसे बोल रही है। हाँ इशिता, मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम रूही को समझाएं तो समझाएं कैसे, समझ ही नहीं रही है वो। तू क्यों आई हो तुम यहाँ पे? जाओ यहाँ से वापस, जस्ट गो अवे फ्रॉम हियर। मैंने बुलाया है नया, ये कोई तरीका है क्या? मुझे किस तरह सबकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि मुझे किससे मिलना है और किससे नहीं? रूही पुत्र, तुम जानती हो ना ये औरत कैसी है, तुम्हें इससे केयरफुल रहना चाहिए। मुझे ना पता है कि किससे केयरफुल रहना है और किससे नहीं।
मुझे ऐसी औरतों से केयरफुल रहना चाहिए। दीदी मैम, मैंने आपको कुछ बताने के लिए बुलाया है। मैंने मेरा डिसीजन ले लिया। जैसे ही ये 20-30 दिन खत्म हो जाएंगे, मैं आपके साथ वापस चली जाऊंगी। I don't care के यहाँ और कितने दिन रहना है मुझे, लेकिन जैसे ये सारे दिन खत्म हो जाएंगे फिर हम दोनों वापस ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, ओके? And it's final. Oh my God, Ruhi, I'm so happy. I mean, it's a great news. Ruhi पुत्र, तू क्यों ऐसे बोल रही है? ये दुख क्यों कर रही है पुत्र? मैंने कहा ना मेरा decision final है और मैं अब इसे चेंज नहीं करने वाली। अरे वाह, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब तुम लोगों ने मेरा काम इतना आसान क्यों कर दिया? इशिता, तुम चाहे माँ बनने का कितना भी नाटक क्यों ना कर लो कि मेरी रूही, मेरी बच्ची, देखो तो सही, तुमने तो सबसे ज्यादा मेरा काम आसान किया है। अब तुम्हारी बेटी खुद चल के मेरे पास आ रही है अपने फैसले से। I'm so happy and you know, I'm so thankful to you. Thank you so much. कितनी अच्छी हो तुम। हो गया, हम सारे तो इतने खुश थे ये सोच के कि रूही हम सारों के करीब आ रही है, अपने घर को अपना रही है। उसने ऐसा क्यों बोला कि वो जा रही है? वो हम सबको छोड़ के नहीं जा सकती, हम उसको जाने नहीं देंगे। ईशु, मुझे मालूम है कि क्या करना है। मैं इस घर से चली जाऊंगी। मैं जब तक इस घर में रहूंगी रूही कभी भी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होगी। एक्चुअली कारण यही है, मैं एक बार चली गई फिर रूही इस घर में आ जाएगी। नहीं नहीं इसका पुत्र, रूही हम सबसे नाराज है, उसे हम सबको मिलकर मनाना है। तेरे जाने से कोई मसला हल नहीं होने वाला। हाँ करना, अपना दिमाग ठंडा रखो और कुछ सोचो, कुछ न कुछ सोल्यूशन तो जरूर निकलेगा। आपका पेरी अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। आप ऐसे क्यों सोच रही है? इतनी जल्दी हिम्मत मत हारिए ना, और अभी तो हमारे पास कुछ दिन भी हैं। अब तो सारा परिवार भी एक साथ है। I'm sure कि हम सब लोग मिलकर अगर ट्राई करेंगे ना तो रूही बिल्कुल अपना मन बदल लेगी। Actually you are right. ये गलत है अगर मैं इतनी जल्दी हिम्मत हार गई तो। I'll try. कुछ ही दिन सही हमारे पास। मैं मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश करूंगी, जैसे भी हो रूही का दिल मैं जीतते रहूंगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। आखिरी मौका है हमारे पास। I'll try my best. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।